Roman Reigns, I acknowledge you as my tribal chief. जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगिन। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले टॉपिक पर शुरू करूं, बिकॉज आज की वीडियो में हम काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर बात करने वाले हैं। यहाँ पर रॉक ने फाइनली एक्नॉलेज कर लिया द ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स को। क्यों किया, क्या सब किया, क्या क्या हुआ, सब बात करूंगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ आपका एक मिनट लेना चाहूंगा, उससे भी कम, बिकॉज एक छोटी सी बात करनी थी। दोस्तों देखिए, हमारे चैनल पे काफी ज्यादा वीडियोज हो चुकी हैं, करीबन 500 वीडियोज कंप्लीट होने वाली हैं। आप सबका शुक्रिया, बिकॉज आप सबकी बदौलत हुआ है, आप सबकी बदौलत। हमने जीरो सब्सक्राइबर से शुरू किया था, आज करीबन 600 से ऊपर हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। बस एक छोटी सी दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपसे बुरा ना मानिएगा। दोस्तों देखिए यार, वीडियो बनाने में ना काफी मेहनत लगती है, बिकॉज काफी साल पहले मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था, और उस वक्त मैं लॉयल नहीं था, मैं शौक था मेरे को यूट्यूब पर काम करूं। मैं सारी वीडियोज देखता था क्रिएटर्स की, मैं सोचता था यार ये सब की कैसे आसानी से बना लेते होंगे, मेहनत नहीं लगती है। लेकिन दोस्तों नहीं, मैं जब सुनता था कि यूट्यूबर को इतनी मेहनत लगती है वीडियो को एडिटिंग करने में, मैं यकीन नहीं करता था। लेकिन दोस्तों जब मैंने फाइनली अब शुरू किया है पिछले साल से, बिकॉज अब मेरा ये एज अ प्रोफेशन बन चुका है, बिकॉज मैं एज अगर शौक लूंगा इसको, एज अ टाइम पास लूंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने पिछले साल जुलाई में अपना चैनल शुरू किया था कल्ट ऑफ रेसलिंग को, और आप सबका सपोर्ट मिला। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका, और आप भगवान का कि आप सबने सपोर्ट किया। एंड पिछली जुलाई से हम लगातार काम कर रहे हैं, 8 महीने से लगातार हर रोज मैं वीडियोस बनाता हूं, करीबन 2 से 3 वीडियोस रेगुलर अपलोड होती हैं चैनल पे, और करीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है दोस्तों, कभी कभी 2 घंटे भी लगते हैं पूरी वीडियो एडिट करने में, बहुत से स्क्रीनशॉट सब कुछ करने में। आप समझते हैं कि मैं अपने चैनल्स पर जो भी वीडियोस लेके आता हूं, कंटेंट कितना भी डब्ल्यू कंपनी का लेके आता हूं, मैं सब वीडियोस को लेके आता हूं, सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, सारा कुछ आपको रियलिस्टिक दिखाता हूं, सारे स्क्रीनशॉट हो गए, सारी इमेजेस होगी। बहुत मेहनत लगती है ढूंढने में दोस्तों, इसको सब कुछ प्रिपेयर करने में, एक के बाद एक लगाने में। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है ना, तो मेरे भाइयों मुझे सपोर्ट कीजिए यार। अपने दोस्त को द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, द कल्ट ऑफ रेसलिंग को बस सब्सक्राइब कर दीजिए यार, मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी यार आपका भाई। बस मैं इतना चाहता हूं यार, जिस तरह आप दूसरों को फॉलो करते हो, दूसरों को सब्सक्राइब करते हो, अपने भाई को भी कर दो यार द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। और वीडियो पसंद आया ना दोस्तों, तभी कहता हूं लाइक कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हर बंदे को आजादी, हर बंदे को फ्रीडम है। आपको वीडियो पसंद है मेरी, मुझे लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, क्योंकि वीडियो आप देख लेते हैं लेकिन आप चले जाते हैं, उसके बाद आप कोई सब्सक्राइब नहीं करते यार, मुझे बुरा लगता है यार। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो यार, पर थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी आपसे, अगर बुरा लग गया तो भाई साहब मुझे क्षमा कर देना इसके लिए। तो दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं और आज के टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज स्मैकडाउन का एपिसोड मैंने हाईलाइट कर चुका हूं, और रिसेंट में वीडियो मिल जाएगी आपको। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं भाई साहब, द रॉक यानी कि ड्यून जॉनसन ने फाइनली एक्नॉलेज कर लिया है रोमन रेंग्स को एज हिज ट्राइबल चीफ। तो भाई साहब ये क्यों हुआ, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये सब होगा, बिकॉज मैं हमेशा से मानता था कि रॉक ने भी कहा है यार, रॉक ने भी कहा है कि मैं हेड ऑफ द टेबल हूँ, मैं ट्राइबल चीफ हूँ, और फैमिलीज का बड़ा हूँ, रोमन रेंग से बड़ा हूँ लेवल में, हर चीज़ में रोमन रेंग से मैं टॉप पर हूँ, इसलिए मैं ट्राइबल चीफ, मैं हेड ऑफ द टेबल हूं। लेकिन भाई साहब स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या होता है कि रोमन रिंग्स को रॉक मतलब एक्नॉलेज कर लेते हैं यार। अब चीजें क्या होती है दोस्तों, देखिए चैलेंज के बाद जब रॉक यहाँ पर कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस को चैलेंज देते हैं रेसलमेनिया नाइट वन के लिए एज अ टैग टीम मैच। अब दोस्तों ये मैच कंफर्म है, अब नेक्स्ट वीक कोडी एंड सेथ आएंगे डैलस के अंदर स्मैकडाउन में, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा, ऑफिशियल हो जाएगा ये मैच नेक्स्ट वीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों उसके बाद की सेगमेंट ये होती है कि रॉक यहाँ पर फैंस की लेते हैं, अब वो 22 इंच की आप समझ सकते हैं कि क्या बात है। मैं ये वीडियो एडल्ट नहीं है सो मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन दोस्तों रॉक यहाँ पर कहते हैं कि मैं 22 इंच लंबी बंदूक लेके आऊँगा और तुम सबको उधाड़ के रख दूंगा, बिकॉज तुम सब चर्सी हो और तुम डिजर्व नहीं करते मुझे और रोमन रिंग्स को यहाँ पर। इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुम अपना मुँह चुप रखो और बकवास मत करो, अब जो मैं बोलने वाला उसको सुनो। रोमन रिंग्स यहाँ पर तो ग्रेट ऑफ ऑल टाइम है, बिकॉज हमारी फैमिली ब्लड लाइन हमेशा से डब्ल्यू कंपनी के टॉप लेवल पर रही है, हमेशा प्रायोरिटी रखी है हमने अपनी फैमिली को, और हम फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर रियलिटी में भाई साहब जो रिएक्शन रॉक को मिल रहा था, मैं इसे इतना सोचता हूँ यार, रोमन रिंग्स रियलिटी में यार जब से रॉक आया है ना भाई साहब, रोमन रिंग्स पूरी तरह से ओवर शेडो हो चुका है,
कोई रोमन रेंस की परवाह नहीं कर रहा, सबको सब सबको सब रोक को देखना है, बस सबको रोक को देखना है, रोक को सुनना। आप खुद सोचिए यार, आप खुद सोचिए कि रोमन रेंस जब रिंग के अंदर खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही रोक आता है, बस आप खुद सोचिए कि जो स्टार पावर नज़र आती है दोनों में, जो डिफरेंस नज़र आता है उसकी प्रेजेंटेशन, सोचो आप खुद अपने माइंड में ये इस चीज़ को सोचो कि रोक ने एक्नॉलेज किया रोमन रिंग्स को। यार सोचो कितना ज़्यादा वो गलत है, कितना ज़्यादा वो, थोड़ा सा देखा जाए ना क्या लग रहा है, ऐसा कैसे होगा यार। रोक इज़ अ बिगेस्ट मैन एंड रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज कर रहा है वो, बिकॉज रोमन रिंग्स के पास माइक स्किल्स तो नहीं है, आप सबको पता है रोमन रिंग्स माइक पे कुछ नहीं बोल सकता, वो किसी को देखा जाए किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता माइक पे, जैसे कि जॉन सीना करता है, जैसे कि सीएम पंक करता है, रोक भी करता है, लेकिन रोमन रिंग्स माइक पर किसी की खिल्ली नहीं उड़ा सकता। रोमन रिंग्स सिर्फ यही कह सकते हैं कि एक्नॉलेज मी एक्नॉलेज मी एक्नॉलेज मी, इसके अलावा रोमन रिंग्स के पास माइक स्किल्स तो है ही नहीं। लेकिन भाई साहब अगर बात करें रोक की, आज रोक जैसे रिंग के अंदर आता है, भाई साहब पूरा कैमरा रोक की तरफ, सोचो भाई साहब मुझे तो ऐसा लगा, मैंने हाईलाइट देखी थी, मैंने पूरा शो देखा नहीं दोस्तों आज, मैंने हाईलाइट देखी थी, मुझे लग रहा है कि रोमन रिंग्स है नहीं रिंग के अंदर, मुझे लग रहा है कि रोमन रिंग्स पूरा जो ब्लड लाइन है वो है ही नहीं, खाली रोक ही खड़ा है, बिकॉज सारा कैमरा एंगल रोक की तरफ, आप देख सकते हो ऐसे लग रहा है कि रोक जो है सोलो खड़ा है रिंग के अंदर, कोई भी नहीं आसपास, खाली पड़ी है रिंग रोक के अलावा। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है, रोमन रिंग्स पूरी ब्लड लाइन खड़ी थी रोक के साथ, लेकिन कैमरा में कवर ही नहीं करा। सोचो कैमरे वाले ने भी रोक को ज़्यादा वो दिया है, मतलब फेम दिया है कि भाई साहब रोमन रिंग्स तो कुछ भी नहीं है, तू मेन बंदा है, और फैन भी रोक को चेयर कर रहे थे, रोक के ऊपर रोक को सुन रहे थे। लेकिन एंड में क्या होता है, जब रोक यहाँ पर कहते हैं इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक एंड रोमन रिंग्स, भाई साहब यहाँ पर रोक को रोक देते हैं, रोमन रिंग्स रोक का हाथ पकड़ लेते हैं, और भाई साहब मैंने आपको बता रखा है कि रोमन रिंग्स रोक को पसंद नहीं करता। रोमन रिंग्स के फेस के एक्सप्रेशन से पता चला स्मैकडाउन के एपिसोड में कि रोक की एंट्री जब होती है, या जब पॉल हेमन भी कहता है रोमन रिंग्स को रोकने के लिए, वहां पर रोमन रिंग्स नहीं मानता, रोमन रिंग्स का फेस बन जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता, अंदर से वो खुंदक ही है वो। एंड फिर रोमन रिंग्स कहता है कि तुम सब और हम सब फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी एक चीज़ है जो कि रोक तुमने नहीं की है, वो है मुझे एक्नॉलेज नहीं करा। एंड फिर रोक यहाँ पर कहता है कि बस छोटी सी बात, इतनी सी बात, मैं फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं तुझे एक्नॉलेज करता हूँ, आई एक्नॉलेज यू माई ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स। और यही सुन के फैन जो होते हैं वही पुराने चैंट्स, यू सोल्ड आउट, भाई साहब रोक की खिल्ली उड़ा देते हैं। और रोक यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहता है, चुप रहो तुम नहीं समझोगे इस बात को, हम एक फैमिली है और फैमिली में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, अगर बात रही एक्नॉलेज की, ये तो छोटी सी बात है, मैं इससे ऊपर भी कर सकता हूँ बहुत कुछ। लेकिन दोस्तों यही नहीं, इससे एक चीज़ और बढ़ गई है कि रॉक यहाँ पर क्लियर कट, जब रोमन इसने बोला था कि तू मुझे एक्नॉलेज कर, तो अब रॉक के एक्सप्रेशन देखिए भाई साहब, रॉक यहाँ पर पूरा गुस्सा खा गया था अंदर से, बिकॉज आप सबको बता दूँ रॉक वो बंदा है जो कि अपने दम पर सब कुछ करता है, रोक को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और रोमन इसको तो बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक चीज़ लिख के दे सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ, अब जो चीज़ें होने वाली है रेसलमेनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और मिस आउट मत करना यार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो वीडियो को मत छोड़ना, बिकॉज हमारे चैनल पर आपको वीडियो भले ही लेट मिले, लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो इमेजेस और जो न्यूज़ जो वीडियोज़ मैं आपको वीडियोज़ के थ्रू प्रोवाइड करवाता हूँ, अपने चैनल पर न्यूज़ देता हूँ, वो आपको किसी और यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। जाके देख लो, नाम बदल देना, मेरा पूरे चैनल का नाम बदल दूंगा अगर ऐसा हो गया तो। इसलिए आपसे कहता हूँ भाई साहब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। एंड दोस्तों अगली वीडियो में इसका थर्ड पार्ट आएगा, जी हाँ, ये सेकंड पार्ट था, इससे पहले फर्स्ट पार्ट आ चुका है, अब लास्ट थर्ड पार्ट बनाऊंगा आज। और अगली वीडियो में जो मैच होने वाला है रेसलमेनिया के नाइट वन को, जो मैच है रोमन रिंग्स रॉक वर्सेस सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस, अब एक टैग टीम मैच है रेसलमेनिया के नाइट वन को, मेन इवेंट करेगा ये मैच, और इस मैच में जो जीतेगा, जैसे कि कोडी रोड जीतता है तो भाई साहब उसको प्रिविलेज मिलेगी कि रोमन रिंग्स को सिंगल मैच में फेस करने का, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी ब्लड लाइन की। लेकिन अगर कोडी रोड्स हार जाता है तो सब सारी आर्ट्स कोडी रोड्स के अगेंस्ट हो जाएगी, उसको सबको सामना करना पड़ेगा, समझ सकते हो आप। अब अगली वीडियो में फाइनली, अब दोस्तों अगली वीडियो में मैं इसका पार्ट थ्री लेके आने वाला हूँ, और फाइनली मैं बात करने वाला हूँ रेसलमेनिया के नाइट वन में जो मेन इवेंट प्लान है भाई साहब, रोमन रिंग्स
एंड द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ फ्रेकिंग रोलेंस जो टैग टीम मैच है इनका, उसका विनर कौन होगा, बिकॉज विनर इज अ मेन अट्रैक्शन, बिकॉज विनर वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है उसके लिए, बिकॉज अगर कोडी रोड जीतता है या हारता है सारी चीज़ें बताने वालों के लिए वीडियो में, रिजल्ट मेरे पास आ चुका है और वैसा ही होगा और वैसे ही स्टोलन चलेगी नाइट टू के लिए, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भगवान राधे कृष्ण, अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखें, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।